नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा कंवर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 मई 2008 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम सबको अपने जीवन में ऐसे संकल्प लेने चाहिए जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो और जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। मतलब गुजरात बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ बातों की ओर मैं आपका मन आकर्षित करना चाहता हूं। ये मेरी सच्ची फैन क्लब वहां बैठी है। और यही लोग हैं जो मुझे तू कह करके बुलाते हैं, ये नरेंद्र मोदी आयो। इसका अपना एक आनंद होता है जी। मेरे तो नसीब में थू करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे कर देते तो हो जाए। मित्रों, 2010 में गुजरात को 50 साल होंगे, हम स्वर्ण जयंती मनाना चाहते हैं। आम तौर पर स्वर्ण जयंती यानी क्या करना, जैसे एक आध दो फंक्शन कर देना, कुछ एक दो घोषणाएं कर देना, कुछ फोटो निकलवा देना, वाहवाही हो जाए, जय जयकार हो जाए। लेकिन मुझे वो रास्ता मंजूर नहीं भैया, और इसलिए 2010 के लिए मैंने अभी से काम शुरू करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि फैन क्लब के मित्र इस बात को अगर आगे बढ़ाएं, और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से नरेंद्र ने कहा, उसने जो संकल्प की घोषणा की, वो मेरे भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। मतलब मैं चाहता हूं जैसे अपने परिवार में कोई शादी हो, परिवार में कोई अच्छा अवसर हो, या बच्चा पढ़ाई करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको एक इंस्पिरेशन के लिए उस अवसर का उपयोग करते हैं। जैसे बच्चा दसवीं में है तो कहते हैं देखो तुम इतने परसेंटेज लाओगे तो घड़ी ला करके दे देंगे। तो दसवीं कक्षा का एग्जाम तो देने ही वाला था, लेकिन घड़ी जुड़ गई तो थोड़ा ज्यादा और उत्साह से कर लेता है। जोड़ते हैं, हम पारिवारिक जीवन में भी जोड़ते हैं मित्रों। इसलिए मैं 2010 स्वर्ण जयंती महोत्सव को एक अलग तरीके से गुजरात के अंदर मनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अभी से हर गुजराती तक एक संदेश पहुंचे, इस गुजरात को अपनी कर्मभूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, जिस रूप में भी प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, जो गुजरात से जिसका नाता जुड़ा है, वे सारे लोग, उन तक एक संदेश पहुंचे। और संदेश मेरा यह है कि 2010 में गुजरात अगर स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो मैं अपने जीवन में एक संकल्प करता हूं कि मैं अपने जीवन में इस चीज को करूंगा, और 2010 की स्वर्ण जयंती के पहले मेरे संकल्प को सिद्ध करके रहूंगा। अगर 2010 के पहले 5.5 करोड़ गुजराती एक संकल्प ले लें, तो 5.5 करोड़ संकल्प हो जाएंगे। मित्रों, अगर गुजरात के 5.5 करोड़ लोग एक कदम चलेंगे, गुजरात 5.5 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। और अगर ये सामर्थ्य है, तो क्या हम संकल्प कर सकते हैं दोस्तों? हम औरों को संकल्प, और संकल्प वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा 1 लाख बैंक बैलेंस है, 2 लाख करके रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प वो हो जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, किसी न किसी की भलाई के लिए, जिसमें आपकी भलाई भी हो। ऐसा नहीं कि बस मोदी को तो ठीक है, कुछ रोने धोने वाला है नहीं, इसलिए वो तो उपदेश देता रहेगा, हम तो परिवार वाले हैं, तो आप अपने परिवार की चिंता के साथ कीजिए, उसके साथ कीजिए। मित्र, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी सारे एस्टेब्लिशमेंट में एनर्जी सेविंग को मैं प्रायोरिटी दूंगा, मैं मकान बनाऊंगा तो ग्रीन हाउस होगा, मैं बिजली की जो भी चीजें लगाऊंगा वो एनर्जी सेविंग वाली होगी, मैं एक कल्चर डेवलप करूंगा जो एनर्जी सेविंग का माहौल बनाए, मैं होटल में रहने वाले लोगों को कहूंगा कि खिड़की खोल करके हवा बाहर की लो,
ये ऐसी वाली हवा बंद करो, मैं समझाऊंगा लोगों को, यही करोगे ना, मैंने जब लंबा किया यही करोगे। और उसके कारण उनका थोड़ा पैसा बचेगा तो मुझे आनंद होगा। नरेंद्र का पैसा ही अपना ही है ना, क्या है। तो मित्रों, आपको मालूम होगा महात्मा गांधी को पानी पीते थे और कोई पानी देता था तो उनका आग्रह रहता है पहले पूछो भाई आधा ग्लास पूरा ग्लास, और अगर किसी ने ज्यादा दिया तो गांधी जी अपना डिस्प्लेजर बताते थे, देखो भाई पानी को व्यर्थ व्यय करने का मेरा अधिकार नहीं है, तुमने पानी ज्यादा क्यों दिया, मुझे इतना ही पीना था। मित्रों ये आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर की चीजें सुनते हैं, हमारा कोई दायित्व है क्या? मित्रों कभी कभी मैं देख रहा हूं, आज चिंता मत करना, आज मैं नहीं देखूंगा, आज नहीं देखोगे, लेकिन ज्यादातर भोजन में थाली में जितना परोसा जाता है कुछ ना कुछ तो हम छोड़ देते हैं। मित्रों सिर्फ हम खाना छोड़ना बंद कर दें तो कितने गरीब लोगों का पेट भर सकते। क्या ये संकल्प हम अपने पूरा परिवार नहीं ले सकता कि अब हमारे परिवार के अंदर कोई खाना छोड़ेगा नहीं? ये मैं जानता हूं कि आप घर के अंदर इस नियम बनाओगे उसके कारण वो बाजार में चला जाएगा और किसी के घर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने वाला है। मित्रों अगर हम तय करें कि मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन 100% करूंगा, आपकी जिंदगी तो सुरक्षित हो जाएगी कि नहीं? उसके साथ साथ गुजरात में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेरा कितना पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा तो मैं गांव के अंदर गरीब के लिए स्कूल बना पाऊंगा? आप सिर्फ आप तय करें कि मैं ट्रैफिक के नियम का पालन करूंगा, इस राज्य के सैकड़ों करोड़ रुपए बच सकते हैं जो गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए काम आ सकते थे। क्या आपने सोचा कभी? और मैं गुजरात के घर घर के मेरे मन की भाव पहुंचाना चाहता हूं। आप सोचते होंगे यार ये धंधा यही करेगा तो हार जाएगा, यही सोचते होंगे। मैं तो अगर गुजरात की भलाई करने के लिए वो भी नौबत आए तो वो भी मेरा संकल्प होगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं मित्र, बहुत कुछ कर सकते हैं अपने निजी जीवन में सामान्य रूप से, और आप देखना आप दुनिया को बदल सकते हैं। एक टीचर अगर तय करे कि मैं मेरे क्लास के विद्यार्थियों में पूरे मनोयोग से उन बच्चों की जिंदगी को की चिंता करूंगा, मुझे बताइए पीढ़ियां बच जाएगी कि नहीं? एक टीचर तय कर ले, तनख्वाह तो मिलती है, उसको नौकरी तो करनी है, लेकिन उसके साथ उसको मन के भाव जुड़ जाए तो कितनी बड़ी परिस्थिति पलटी जा सकती है। अभी एक गुजरात स्वर्णिम गुजरात संकल्प ज्योत को प्रारंभ किया है परसों 1 मई को, और अमरेली से मैंने इसलिए किया क्योंकि अमरेली वो नगर है जो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता जी का जन्मभूमि कर्मभूमि है। देखिए मित्रों मेरे जीवन में राजनीति बीच में आती नहीं कभी, ये तो कांग्रेस थे, डॉक्टर जीवराज मेहता कांग्रेस थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर जीवराज मेहता की प्रतिमा के नीचे से ये संकल्प की यात्रा निकालूंगा, और जब डॉक्टर जीवराज मेहता पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए वो इतिहास में होगा, लेकिन उनके मन में तो रहा होगा ना कि गुजरात बहुत आगे बढ़े, ऐसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसके मन में ना हो। अगर उनके मन में था तो क्या हमें पूरा नहीं करना चाहिए? मित्रों मेरा राजनीतिक दल उनसे भिन्न है, लेकिन तो भी उनके सपनों को भी साकार करना मैं अपना कर्तव्य मानता, और इसलिए स्वर्णिम जयंती की उपलक्ष्य में मैंने एक ज्योत को वहां से प्रारंभ किया है। वे ज्योत पूरे 2008-09 1 मई तक 365 दिन
गुजरात के सभी बड़े नगर में जाने वाली है। एक दिन एक जिला एक कार्यक्रम, वो चलती रहेगी, एक साल भर चलेगी। और जब जाएगी तो उस गांव के लोग संकल्प करेंगे। और 2009 के अंदर 1 मई को मैं इस संकल्प यात्रा का विस्तार करने वाला, और 2010 तक मैं 5.5 करोड़ गुजरातियों के दिलों में ये ज्योत जलाना चाहता हूं। मित्रों, इस अपॉलिटिकल एक्टिविटी की बहुत बड़ी ताकत होती है समाज में बदलाव लाने के। मैंने एक आंदोलन चलाया था 2-2.5 साल पहले, बेटी बचाओ आंदोलन। हमारे यहां जो जेंडर रेशियो का प्रॉब्लम है, यहां जो हरियाणा के लोग हैं उनको मालूम होगा हालत क्या है, पंजाब के लोगों को मालूम होगा, गुजरात भी उससे कोई अच्छी स्थिति नहीं है। 1000 लड़कों के सामने आज से 3 साल पहले 802 बच्चे थे, 1000 लड़कों के सामने 802 लड़कियां थी, 1000 में 200 ऐसे निकलेंगे जिनका मेरे जैसा हाल होगा। ये हल्का फुल्का इसलिए थोड़ा आपको जरा नींद ना आ जाए। मैं तो मैंने एक आंदोलन चलाया बेटी बचाओ, बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मां का पेट कब्रिस्तान नहीं हो सकता है, बेटी को मां के पेट में मार दिया जाए ये 21वीं सदी को शोभा देता है। और मित्रों, अभियान चलाया, आज स्थिति ये बनी कि जब मैंने आंदोलन चालू किया था तब 1000 में 810 थे, अब वो फिगर 870 तक पहुंचा है। और अगर ये कोशिश जारी रही तो 1000 के बराबर लड़के लड़के हम कर पाएंगे। लेकिन उस बात को दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2.5 साल लगे। गुजरात ने जो किया, इस बात को दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2.5 साल लगे। और अभी परसों प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कोई आंदोलन शुरू करने की घोषणा की कि वो बेटी बचाओ आंदोलन करेंगे देश भर में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं 2.5 साल पहले गया वो अच्छा था कि वो 2.5 साल बाद आ रहे हैं वो अच्छा है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आना उस रास्ते पर पड़ा है, आना उस रास्ते पर पड़ा है। और इसलिए मित्रों, मेरा विश्वास है कि राजनीति से परे भी बहुत बड़ा देश होता है, राजनीति से परे बहुत बड़ा समाज होता है, राजनीति से परे समाज की आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, राजनीति के परे भी देश के हर नागरिक के अंदर ऊर्जा होती है, राजनीति के परे भी हर व्यक्ति देश का समाज का भला चाहने वाला होता है। मैं सिर्फ उसे जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, समाज शक्ति के जो मन के हैं उसके अंदर एक धागा बनकर के माला बनना चाहता हूं, जो माला मेरे गुजरात के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है फैन क्लब के सारे मित्र मुझे इस काम में मदद करें, आने वाले 2 साल के लिए लग पड़े, स्वर्णिम जयंती के लिए कॉलेज में आइए, स्कूल में जाइए, अपने आप जाइए, गुजरात गौरव फैन क्लब के लोग जाए भी आइए, हम संकल्प करें। अगर कोई स्टूडेंट संकल्प करता है कि मैं अब 90% से कम मार्क नहीं लाऊंगा, मैं तो अल्टीमेटली मेरे गुजरात का भरा ही होने वाला है। कोई कहे कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, यहां जो खाते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा और अगर किसी भयंकर बीमारी से बच जाता है तो मेरी राज की तिजोरी के पैसे बचते हैं दोस्तों, और पैसे बचते हैं जो गरीब के काम आते हैं। तो तंबाकू का सेवन आप करते हैं लेकिन बोझ राज की तिजोरी पर लगता है। जब आप कैंसर अस्पताल में जाते हैं तब आप जो पेमेंट देते हैं उससे 100 गुना खर्चा सरकार को भुगतना पड़ता है, गरीब जनता के पेट को काट करके वो पैसे लाए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तंबाकू सेवन बंद करना है, गुटखा बंद करना है, और कुछ नहीं करना है।